प्रतिभावान बच्चों के भविष्य को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल के तत्वावधान में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम चयन एवं राष्ट्रीय मिस कम मेरिट छात्रवृत्ति चयन परीक्षा 2019 का आयोजन किया जाता है, जिसे लेकर रविवार को खरगोन में ही परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें जिले भर के करीब 7,000 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और पर्चा हल किया। यह परीक्षा के लिए खरगोन में विभिन्न केंद्र बनाए गए थे। यह परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की गई। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी के डोंगरी ने बताया कि शासन की मंशा अनुरूप प्रतिभाशाली बच्चों के प्रोत्साहन के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाता है, ताकि देश की प्रतिभा को निखारा जा सके। खरगोन से अजित तिवारी की रिपोर्ट। ये जिले के उन विद्यार्थियों के लिए परीक्षा है जो कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या है, दो प्रकार की परीक्षा है। तो NTSC की है, नेशनल टैलेंट सर्च वाली, और दूसरी है मेंस कम मेरिट। इसमें जब बच्चा सिलेक्ट होता है तो उसको जो है 6,000 रुपये प्रतिवर्ष जो है सार्थक स्कॉलरशिप देते हैं। जिले में NTSC के 5 केंद्र हैं और मेंस कम मेरिट के 10 केंद्र हैं, और परीक्षा हमारी शुरू हो चुकी है व्यवस्थित रूप से। और इन दोनों परीक्षाओं में कम से कम कुल मिला के जो है 7,000 के लगभग बच्चे सम्मिलित हुए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।